बाद एक नई ऊंचाइयां छू रहा है। हम लोग भी समस्तीपुर के निवासी समस्तीपुर टाउन के साथ एक के बाद एक नई ऊंचाइयां नए आयाम को छू रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हर तरह के जो सामाजिक कार्य हैं वो समस्तीपुर टाउन के द्वारा किए जा रहे हैं, और ये रक्तदान का जो शिविर लगाया गया है मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मुझे कॉन्टेक्ट किया गया था अभिनाल जी के द्वारा कि आपको आना है, रक्तदान को महादान कहते हैं, और ये सालों पहले भी अगर हम जाएं तो भारत की ये परंपरा ही रही है। दधीचि ऋषि ने अपना शरीर दान किया था, अपनी पिंडलियाँ दान की थी, अपना हड्डी दान किया था, तो इस तरह खून और ये जो शरीर का जो दान है वो महादान है, अंगदान महादान करा था। इसमें से भी अगर मैं सिर्फ ब्लड डोनेशन पे आता हूँ, ब्लड डोनेशन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, लोग करना नहीं चाहते हैं कि हमारे शरीर का जो है खून कम हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना ब्लड डोनेट करते हैं उतना ही आपके शरीर में बहुत जल्द आ जाता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो भी चेकअप है बहुत सारा वो सब भी आपका इसके दरमियान हो जाता है, लाइक हीमोग्लोबिन का चेकअप हो जाता है, ब्लड प्रेशर चेकअप हो जाता है। और जब आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो जो आपका ब्लड बनता है वो एकदम पतला बनता है, जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। कई लोग जो नियमित ब्लड डोनेट करते हैं उनका मानना है कि ब्लड डोनेशन करने से न सिर्फ हार्ट बल्कि कैंसर इत्यादि से भी बचा जा सकता है। इसलिए ब्लड डोनेशन बहुत अच्छी चीज़ है। आप सभी लोग समस्तीपुर टाउन के साथ मिलकर आज करते हैं ब्लड डोनेशन, और अगर ये माने कि कौन कर सकता है ब्लड डोनेशन, तो अगर आप 16 साल से ज़्यादा और 50 किलोग्राम से आपका वजन ज़्यादा है तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। आइए करते हैं रक्तदान महादान।